खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दूधगढ़ निवासी सुधीर कुमार पुत्र राम भारत वर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें 24 फरवरी को कुएं में सुधीर का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुधीर की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या करने वाली विवाहित प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। वही मृतक की पत्नी मीनाक्षी ने पति की हत्या करके प्रेमी से शादी करने का प्लान बनाया था। पुलिस के मुताबिक महिला ने चाय में नीम की गोली डालकर बेहोश किया, जिसके बाद प्रेमी सूरज की मदद से कमछे से गला दबाकर हत्या कर शव को बोरे में भरकर घर के सामने स्थित कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गमछा, 70,000 नगद व अन्य सामान भी बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। थाना शिवगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश उसके घर के ठीक सामने बने हुए कुएं में बोरे में मिली थी। इस संबंध में 20 तारीख को उसकी पत्नी द्वारा थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना शिवगढ़ और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज उनके द्वारा दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ और अन्य साक्ष्य के आधार पर यह बात संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी, जिसने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उसके द्वारा ही अपने पति की हत्या कर दी गई, जिसमें उसके प्रेमी ने भी उसका साथ दिया। हत्या करने के बाद मृतक के पास जो 70,000 रुपये थे हुआ और इसके कपड़े और जूते इत्यादि इन लोगों ने छुपा दिए थे। इनके पास से वो 70,000 रुपये और मृतक के जूते, उसका चश्मा, उसका मोबाइल फ़ोन इत्यादि बरामद किया गया है। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, हत्या के बाद प्रथम चीज़ क्या सामने आ रही है, क्या विवाह करना चाहते थे या जो आर्थिक है उसके लिए हत्या की? देखिए, बेसिकली ये प्रेम प्रसंग का मामला था। इन दोनों ने ये सोचा था कि एक बार ये व्यक्ति मर जाए तो उसके बाद ये दोनों शादी कर लेंगे। कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्या काम था ये? अभी तक इन लोगों ने जो बताया है कि लगभग 1 साल से एक दूसरे को जानते।